अस्सलाम वालेकुम ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा वीज़ आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर क्योंकि पी एस तो स्टार्ट हो ही चुका है और अपने इनिशियल फेजेस में है लेकिन इसमें सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे सिलेक्शन होगी वर्ल्ड कप में और आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब एफ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान जहीर साहब और डमी म्यूजियम से आए हैं दो क्रिकेट फैंस असल

और वो हमें नज़र आया इन एवंचुअली सेमीफाइनल लास्ट वर्ल्ड कप का हारे इधर फाइनल में जिस तरह हम गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से वो जैसे हमेशा हम देखते हैं कोई मेरे होता है और हम क्वालिफ़ाई करते हैं फ़ाइनल तक पहुँचते बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल भी हम लूज़ कर गए क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है उसमें जहाँ आप देखते हो स्किल लेवल इन्हस हो चुका है उधर अब न्यू टेक्नोलॉजी की भी आप उसमें एडवांसमेंट काफ़ी आ चुकी है तो मिकी आर्थर का जो नजम सेठी साहब जैसे नई रिजीम आई उनके काफ़ी इंक्लाइंट थे उनकी तरफ उन्होंने पहली स्टेटमेंट यही दी कि मैं मिकी आर्थर को लेकर आऊँगा अब प्रॉब्लम उसमें दो चीज़ों का था कि आपको डिले नज़र आ रहा था कि मिकी आर्थर ज्वाइन नहीं कर पा रहे और वो बड़े प्रसिस्टेंट थे कि मिकी आर्थर को होना चाहिए मीन वाइल जो मेरे जराए हैं उन्होंने एंडी फ्लार से भी बात की गैरी क्रिस्टन से भी बात की बट कोई भी आने को विलिंग उस तरह नहीं था एक तो ये रीज़न ये है कि ये सब शॉर्ट कोचिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लीग क्रिकेट है जैसे आई पी एल है पी एस एल है उससे डबल ट्रिपल कमा लेते हैं एक मंथ के अंदर तो ये इनको ज़्यादा सूट करता है और बाकी टाइम अपनी फैमिलीज़ को भी दे देते हैं अगर आप किसी टीम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं एज ए हेड कोच वो भी देते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं देते आपका क्योंकि एनअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर है। वो रीनुलल का सिलसिलाकार चलता है नॉर्मली वो थ्री ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है अच्छा एक तो रीज़न ये थी मोस्ट ऑफ द कोचेज़ का कि ना आने की दूसरा रीज़न ये था जो आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है उनको लगता है कि लेट्स लेट्सपोज नई गवर्नमेंट आ जाती है न्यू पैटर्न ऑफ चीफ़ आता है तो वो फिर मुझे ना कहीं रिमूव कर दिया जाए और वो डरबी शायर के ऑलरेडी कोच है मिकी आर्थर जो है तो उनको था एक कंसर्न तो डेफिनेटली था कि मैं अगर आता हूँ और दोबारा नई गवर्नमेंट आती है और मुझे हटा दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि सेठी साहब ने उनको एश्योर किया है कि ये चीज़ नहीं होने जा रही वो एक लंबी डिबेट है किससे इंश्योर करवाया होगा अब फिर दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कन्फर्मेशन दी कि वो हमारे साथ होंगे तो ऑनलाइन कोचिंग के हवाले से बात की गई इस पर अगेन बहुत लंबी बात की जा सकती है कि पहले दुनिया में कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है कि आप किसी कोच से क्रिकेट ऑनलाइन तो होती नहीं है इवेंट वाइज ज्वाइन करेंगे फिर किसी ने नेक्स्ट रिलीज जो जारी की उसमें उन्होंने कहा कि ये अब डायरेक्टर के अहदे पे होंगे इनको असिस्टेंट कोच या बॉलिंग कोच असिस्ट करेंगे अब डायरेक्टर का जो डेजिग्नेशन इनको देना है वो बड़ा डेजिग्नेशन है जो मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरी सिटी साहब से भी बात हुई थी वो अब मुझे लग रहा है कि ये जितने भी डिसीजन आपको आगे ले नज़र आएंगे दो तीन मंथ के अंदर वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो उसको मिल जाएंगे मिकी आर्थर को क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि आपको चैंपियन ट्रॉफी याद होगी जो लड़के चैंपियन ट्रॉफी में थे वो सारे मिकी आर्थर ने पिक किए थे उन्होंने कई लड़कों को बायर किया नए लड़कों को ऐड किया जिसमें इमाद शादाब फ़हीम अशरफ उसमें फ़खर जमान शहीन शाह फ्रीदी ये सब मिकी आर्थर लेके आए थे तो उस लिहाज से सारा क्रेडिट जाता है कि उनकी आई बड़ी अच्छी है और वो मॉडर्न तो क्रिकेट की जो डिमांड है उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं तो उस लिहाज से मेरे ख्याल है डिसीजन बड़ा वाइटल है अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा हमें अगर तो वो सिर्फ इवेंट वाइज आते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी कोच के लिए कि एक इवेंट में आप पाँच छः दिन पहले ज्वाइन कर रहे हो और फिर वो लड़कों को लेके आप कैरी ऑन करते हो अभी एक नई डेवलपमेंट इसमें ये है कि यासर अरफात जो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंग्लैंड से लेवल फोर किया है वो बॉलिंग कोच के तौर पर आ चुके हैं वो ज्वाइन कर लेंगे पी के बाद टीम को वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो इसका क्या होगा? वो बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट होगा एक तो क्योंकि यंगस्टर हैं अभी उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है बिल्कुल यंग है आ, इन लड़कों के साथ खेले भी हुए हैं और सबसे हाईएस्ट डिग्री उन्होंने ले ली है कोचिंग के अंदर तो ऐसा कोच एज ए सिसट जब करेगा तो मेरा ख्याल है बहुत बेनिफिशियल होगा बट अगेन जो मैंने हैविंग सेड दैट कि मिकी आर्थर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है अब ये देखना पड़ेगा कि वो कितना टाइम देते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर आफ्टर फोर फाइव मंथ के बाद आपका वर्ल्ड कप होने जा रहा है जी। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आपके लड़के जो सोलह सत्रह या अठारह का स्क्वाड है वो अभी से डिटर्मन कर लेना चाहिए कि ये ये लड़के हमारे वर्ल्ड कप में खेलेंगे और जो डायरेक्टर का आपने पूछा उसका मकसद मुझे यही नजर आ रहा है कि ये सारे के सारे राइट्स दिए जाने लगे हैं मिकी आर्थर साहब को ताकि अब कोई बात होगी किसी सिलेक्शन पे कुछ तो कहा जाएगा ये तो उनकी डिमांड थी हमारी नहीं तो ये उसमें मेरा अपना मानना ये है मेरी मैं इसको फोर्स ही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा बर्डन ये था जो ना रमीज़ राजा साहब उठा सके कैप्टन को चेंज करने के लिहाज से क्योंकि बहुत बात हुई हम देख रहे हैं कोई इवेंट नहीं जीत पाए हम दो ढाई साल से वो ऐसा सब्स कदम कोई हेड था क्रिकेट बोर्ड का कि कि हराम है कोई एक चीज मजाक में भी हम जीत इतनी शानदार टीम थी है ना परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी exactly. लेकिन अल्लाह ताला का मामला कुछ और होता <laughs> नहीं सर उसमें एक चीज मुझे जो मैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे जरूर कहूंगा आपकी देखिए अप्रोच सर बहुत मैटर करती है <laughs> मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो बहुत अग्रेसिव हो गई आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं इंडिया देख लें आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं हर मैच में साढ़े तीन सौ मार है ठीक है आपने इंग्लैंड को देखा वो दो सौ से ऊपर की ट्राई करता है देखिए विक्ट्री मिलना या ना मिलना दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम आपकी इंटेंट बड़ी क्लियर होनी चाहिए आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और आप एक का टारगेट दे रहे हैं इंग्लैंड को और आप कह रहे हैं आप जीत जाएंगे इट इज अ जोक नहीं पॉसिबल आपको पावर प्ले का यूटिलाइजेशन करनी है टी के अंदर अब इस पर अगेन बड़ी लंबी डिस्कशन है कि बाबर और रिजवान जब पाँच या छः के स्ट्राइक रेट के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे तो किस तरह पॉसिबल आप जीत सकते हैं अच्छा फिर आप ब्लेम करते हैं कि हमारे मिडल ऑर्ड परफॉर्म नहीं करते आप ये देखें बड़ी इंटरेस्टिंग इसके स्टैट्स हैं अगर ये दोनों दस ओवर तक आउट नहीं होते दोनों और नाइन्टी परसेंट मैचेज में ये दस ओवर से ज़्यादा खेलते हैं तो पाकिस्तान का जो पार स्कोर है वो दैट इज़ वन फिफ्टी एट और लेट्स पोज अगर ये आउट हो जाते हैं इन पावर प्ले दोनों आउट हो जाते हैं या एक आउट हो जाता है तो पाकिस्तान का स्कोर है वन फिफ्टी फाइव यानी कि ये आउट हो या ना हो हमें स्कोर में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए आपको एक प्लान बनाना चाहिए आपको करी शो करनी चाहिए आज तक हम इमरान खान की क्योंकि बात करते हैं इसीलिए करते हैं कि लीडर था लीड फ्राम द फ्रंट वाली चीज़ थी मैं सरफराज के अंदर थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा सरफराज देखें आपको उसकी अपनी परफॉर्मेंस को अगर थोड़ा पीछे कर दें आपके उसने शायद उस तरह परफॉर्म नहीं किया बट जो बोल्ड सीन वो लेता था कि अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट लगता है उसको कि शादाब को जाना चाहिए वो शादाब को भेजेगा उसको लगता है मुझे ये बॉलर खिलाना चाहिए वो खेलेगा सरफराज सरफराज अग, जी अगर आप वो बुकिश नॉलेज के साथ चलेंगे देखें क्रिकेट के अंदर माना जाता है कि गेम अवेयरनेस किसको सबसे ज्यादा अगर कैप्टन के पास ही गेम अवेयरनेस नहीं है जी। तो फिर नहीं धोनी की मिसाल मैं इधर देना चाहूंगा कि आप देखें कोहली कितना बड़ा प्लेयर था धोनी से बट वंस ही इज अ कैप्टन तो कोई इंडिया टाइटल नहीं जीत पाया धोनी ने उनको वर्ल्ड कप टी का ओडीआई का चैंपियन ट्रॉफी कोई एशिया कप कोई असाइनमेंट नहीं था जो धोनी की कैप्टनशीप में इंडिया ने ना जीता हो तो ये आप इससे चीज़ों से सीखते हैं और हमारी एक डिबेट बड़ी लंबी चलती है कि बाबर इज अ लर्निंग कैप्टन बड़ी एक अच्छी वो मैंने अभी लास्ट वीक सलमान भट्ट साहब का इंटरव्यू किया उसने कहा जी वसीम अक्रम साहब और बाकी कई क्रिकेटर्स वो कहते हैं करने से आती है तो उसमें बड़ा दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि करने से आती तो फिर आप बना लेते सारों को ही फिर तो आप एक्स वाई ही किसी को भी कैप्टन बनाएं और उसके नहीं क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन का रोल सबसे वाइटल है सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बॉल पर उसने बाकी अपनी टीम के भी दस प्लेयर से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑडनी ज्यादा सोचना है और बेहतर सोचना है और दूसरी टीम के भी उसने अप्रोच से बेहतर जाना है अगर वो किसी तरह नीचे रह रहा है अप्रोच के अंदर तो फिर सॉरी टू से फिर रिजल्ट इसी तरह ही आएंगे फिर ऑर्ड विक्ट्रीज मिलेंगी आपको फ्लूक लग जाएगा सेकेंड टीयर की टीमों से जीतेंगे आप बड़ी टीयर की टीमों के सेमीफाइनल फाइनल में आके क्लैप्स होंगे क्योंकि उनको आपकी वीकनेस पता है और उसकी वीकनेस का बेस्ट एक्सप्लॉयट आपको इंग्लैंड करके गया आपकी होम कंडीशन के अंदर उसने देखा कि आप टिमड हैं आप नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं आप पे अटैक करें तो यू कैन नॉट सर्वाइव एनी वे यहाँ पर हम इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं टीम के सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं उससे पहले हम बात करते हैं जो इशू आ रहा है वेन्यूज का एशिया कप होने जा रहा है इंडिया कहता है वो नहीं आएगा सिमिलरली वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का वेन्यू डिसाइड हो रहा है सो so, ये जो वॉर चल रही है इसका क्या डू यू थिंक कंक्लूजन होगा देखिए इसमें बड़ी आ... दोनों पिछले रिजीम को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक अच्छी चीज ये थी कि लेवेंथ आर पे जब न्यूजीलैंड हमें छोड़ के गई मैच से एक घंटा पहले तो रमीज़ राजा के जहाँ क्रिटिसाइज कई चीज़ों पे हम करते हैं उन पे यह क्रेडिट पे जाता है कि बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने पूरी दुनिया में ये स्लोगन लिया कि हम वी आर सेफ़ कंट्री और इधर आके खेलें और हमने देखा कि न्यूजीलैंड भी आई इंग्लैंड भी आई ऑस्ट्रेलिया भी आई अब भारत एक ऐसा कंट्री है जिसने अनफॉर्चुनेटली चाहे उनकी गवर्नमेंट का इन्फ्लुंस की बात करें वो आने को तैयार नहीं है अब उसके ऊपर हमारे पास क्रेडिट पर एक तो एशिया कप है और दूसरा उससे भी इम्पॉर्टेंट हमारे पास चैम्पियन ट्रॉफ़ी है तो पाकिस्तान नोइंग दिस फैक्ट कि अगर हम एशिया कप नहीं करवाते तो चैम्पियन ट्रॉफी भी होने वाली नहीं अब दो मीटिंग्स हो चुकी हैं एशिया कप की लास्ट वीक मीटिंग हुई है उसमें सेटी साहब गए हुए थे बहरीन अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो ए का प्रेजिडेंट है वो जेष शाह वो भी इंडियन है वो कह रहा है कि जी न्यूट्रल वेन्यूज पर आए हम नहीं आ सकते उन्होंने तो इवन थ्रेट भी किया है पाकिस्तान को कि आप फिर ना आए पाकिस्तान ने काउंटर आर्गूमेंट दिया कि फिर हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे उन्हें नहीं आए आप नहीं आते तो hmm. उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच की व्यवरशिप जो है वो फीफा के बराबर होती है फीफा फाइनल ने अभी उसको बीट किया लास्ट टाइम हमने बीट कर दिया था उस मैच ने बीट कर दिया था और उसकी जो आपको पता है कि टिकट्स विद इन फाइव मिनट्स फोल्ड आउट होती हैं तो आप इस पर क्यों नहीं करते इतना टिमिट बिहेवियर आपका कि आपके पास एक छोटी सी एडवांटेज है आप कहने जोगे तो कि अच्छा जी हम नहीं आते नहीं। नहीं, नहीं, आपने है साफ पता चल रहा है कि ब्लफ कर रहा के अंदर क्या, इतना है कि वो कह सकें कि अच्छा जी हम नहीं आते उनके अंदर नहीं है ये, है। हुँ। हुँ। का ये फैसला नहीं है और जो इस वक्त आपकी हुकूमत का इंचार्ज है वो कांपती टांगों के साथ खड़ा हुआ है बेचारा टोल उसके अंदर इतना दमखम नहीं है ये एक बहुत तगड़ा डिसीजन लिया जा रहा था कि मोदी वॉज अबाउट टू विजिट पाकिस्तान ये पुरानी बात है आज से मतलब दो साल पहले ये हो जाता ना अगर तो सबसे पहला इसका नेट रिजल्ट था क्रिकेट True. ट्रेड एंड क्रिकेट जी क्रिकेट की बहाली होती बहुत बेहतर हो जाता लेकिन आप देखें बिहेवियर आपका मतलब है लंगड़े लूले से आपके बयान आते हैं पॉलिसी आपकी एक बड़ी फ्रेजाइल सी होती है कोई क्लैरिटी नहीं उसके अंदर True. ये वजह है कि आपकी क्रिकेट सफर कर रही है hmm. आपकी क्रिकेट का ताल्लुक इस्लामाबाद के पार्लिमान से है बल्कि इस्लामाबाद की और बहुत सारे दफातर से है वहां से होकर जाएगी जी। जी उन्होंने पहले कह दिया ना कि पता नहीं किसकी गारंटी दी <laughs> <laughs> मिकी आर्थर को हाँ जी मी की को भी पता है, है। उन्होंने भी कहा गारंटी मुझे वहां से चाहिए कुछ दाड़ बेच नहीं बैठे भाजी भी गाल करो अच्छा तो क्या लाहौर में उन्हें से जीत जायेंगे हाँ जी अच्छा खैर यही बात मैं पूछूंगी कि चार शहरों में हो रहा है इस दफा पहली बार सो सबसे पहले मुल्तान को सिलेक्ट किया गया इसकी कोई खास वजह देखिए इसमें कोशिश तो अब डेफिनेटली बोर्ड का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम कोयटा में भी जैसे हमने देखा एग्जीबिशन मैच हुआ आ जी। आ, पिशावर का स्टेडियम भी तैयार हो रहा है बट उसमें टाइम लगेगा बट लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है जो सिचुएशन है उस उसपे रिस्क नहीं लिया जा सकता और फैसिलिटीज भी है उस लेवल की नहीं है इन दोनों सिटीज के अंदर कि आप इंटरनेशनल प्लेयर जब आपके आएंगे और उधर आके वो खेल सके तो ये आपका मुल्तान और कराची का स्टेडियम में दो अभी रिसेंट टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं तो उसमें वो तमाम उसका स्ट्रक्चर उसी तरह सब कुछ प्रिपेयर है आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एक तो ये फैक्टर है दूसरा वेदर बहुत बड़ी रीज़न थी इसमें कि वेदर आपको पता है लाहौर में कभी स्मोक और फोक और दूसरा अभी जिस तरह का अभी चल रहा है प्रॉपर अभी आप बाहर आएगी तो आपको पता है ओपन अप हो जाता है सब कुछ तो ये फैक्टर्स को भी कंसिड्रेशन में रखते हुए इन दो वेन्यूज़ को पहले दिया गया है फिर थर्ड लेग इसकी सेकेंड लेग जाएगी वो रावलपिंडी में उधर आपके आलमोस्ट अलेवन मैचिज़ हैं और फिर ये शिफ्ट हो जाएगी लाहौर की तरफ लाहौर में क्योंकि मार्च के अंदर बड़ा प्लेजेंट हो जाता है वेदर और आपको पता है कि उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एक माहौल वैसे ही बाहर की वजह से स्प्रिंग आ जाता पूरी जोबन पे तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिड्रेशन में रखते हुए इस तरह वेन्यूज़ को डिसाइड किया गया बट इसमें एक चीज़ ये है कि जिस तरह इंडिया की हम अगर मिसाल दें तो इंडिया का रूल ये है वीसी साई का कि वो हर वेन्यू पे मैच होता है इंटरनेशनल जो भी है ताकि पूरे हर सिटी जितनी जहाँ जहाँ स्टेडियम है वो फ्लरिश करे कल्चर फ्लरिश करता है बिज़नेस इसमें डेवलपमेंट होती है तो पीसीबी भी, भी कोशिश तो अब ऑब्वियसली कर रहे हैं जैसे अभी हमने बुकटी स्टेडियम को देखा रेनोवेट किया गया और बाप स्टेडियम जो है बाप ने आज पेशावर में वो बड़ा खूबसूरत बन रहा है पशावर में तो वो जब तैयार हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आप इस्लामाबाद का स्टेडियम वो पाइपलाइन लाइन में है। उसकी उम्मीद तो है कि इन शाला चैम्पियन ट्राफी से पहले वो प्रिपेयर हो जाएगा तो हमारे तीन चार ऐसे ज़बरदस्त वेन्यूज़ हैं हमारा फैसाबाद का स्टेडियम बहुत खूबसूरत है इकबाल इकबाल स्टेडियम जी तो ये इस तरह के चार पांच स्टेडियम है जब ये एड ऑन हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि जब इन सब शहरों में जाएंगे तो हमारी अनफॉर्चुनेटली इस सारे करंट सिनेरियो के अंदर बाकी तमाम स्पोर्ट्स जो हैं वीलिट हो चुकी है सिर्फ एक क्रिकेट है और क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया के अंदर सेकेंड रिलीजन के तौर पर हम लेते हैं इसको और जो एक पैशन है लोगों का इंटरेस्ट आप सब तमाम है। आपकी एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं और जब वो आती है तो एक फेस्टिवल का समा होता है पूरे अच्छा आपसे सवाल है कि लाहौर कलंदर ये रिटेन कर पाएगा तो पा

भूम भूम हो जाना तो है। देखा जाए तो सबसे नजर आती ये बात। क्या लेकिन इरफान साहब बड़े-बड़े जो हैं पहले सीजन से चल रहे होते हैं लाहौर के अंदर में पर उसके अंदर आने के बाद कुछ हो जाता है चाहे वो एबी डिविलियर्स हो चाहे कोई भी हो इंजरीज बड़ी आती रही है ए डिविलियर आए वो इंजर्ड हो गए इंजर्ड हो गए एक सीजन में हफीज को कैप्टन बनाया वो इंजर्ड हो गए तो कुछ इस तरह का इनके साथ हिस्सा का रहा और फिर कई दफा प्लेयर चले जाते हैं इनको सीजन में छोड़ के। इस दफा उनकी टीम काफी कामरान अकमल जी। और जिन्होंने बड़ी कामरान अकमल भी सेकेंड हाईस्ट रन स्कोर है पीएसएल में वो हमें नजर नहीं आएंगे क्यों नहीं आए थिंक देखिए उसमें लास्ट जीम का थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि वो शायद पुराने खिलाड़ियों को उस तरह वो नहीं चाह रहे थे कि वो खेलें। लास्ट रिजीम वैसे विषय रिजीम नजर आने लगी है हालांकि <laughs> वो इमरान के नॉमिनीज थे जी। लेकिन मुझे उनके अंदर ना लगता है जैसे बहुत सारे रास्कल्स बैठे हुए थे रास्कल्स भी कहना मेरा ख्याल है इज अजम राक्षस बैठे हुए थे अच्छे अच्छे लोगों को इन्होंने डिस्करेज किया उन्हें इग्नोर किया सबसे बड़ी मिसाल आपका सबक कप्तान है सरफराज और सबसे बड़ी मिसाल ये कि ओवर पैम्पर करते रहें अपने चहेतों को और अंजाम आपके सामने और ये रमीज की रजीम ये ऐसे ही टॉपल नहीं हुई मैं समझता हूं इसकी हमाकत और गैर जरूरी कॉन्फिडेंस और किसी हद तक तकबर क्या आ जाता है इन सब के अंदर देखिए वो था ऐसे ही काम किया क्या है तुमने तुम प्लेयर्स अच्छे हो ओके लेकिन जैसे वो बता रहे हैं एक्सपर्ट बैठा हुआ बता रहा है कि इस वक्त सिर्फ गेम मैटर नहीं करती टेक्निक एक चीज़ होती है टेक्नोलॉजी तो चीज़, चीज़ की की बात एटीट्यूड साइंस हारे हुए मैच को किस तरह जीतना है हमें तो ये आता है सिर्फ मैच को हारना जो ड्रॉप इन पिचेस है उन पर पैसा जाया किसी दिन रमीज राजा को पूछना चाहिए इधर आके जवाब दो इन चीज़ों का और मैं एक बना रहा हूँ वैसे चार्जशीट अंदरीब इन शाह मैं कर इसके ऊपर बात हम लोगों ने उनके साथ शो किया और उस पर ये चीजें हमने डिस्कस की कि ड्रॉप इन पीचेज का कॉन्सेप्ट जहाँ मल्टी स्पोर्ट्स होती हैं जैसे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया छः मंथ आपके रग होना है फुटबॉल भी होना है उधर आपका कॉन्सेप्ट है जहाँ आपका स्टेडियम एक पर्पज के लिए यूज हो रहा है उधर तो जरूरत ही नहीं है मुझे तो शक पड़ने लग गया भाई इसके पीछे दिहाड़ी थी मुझे शक पड़ने लग गया यानी अ मैन विद एन बिलो एवरेज आई मतलब बब्बू भी अगर होता ना तो वो भी ये डिसीजन ना लेता ये कहाँ का जहीन आदमी है अपने आप को बड़ा प्रेजेंट करता है कि मैं बड़ा क्रिकेट नोइंग मैं भी यही समझता था इज़ अ वेरी क्रिकेट नोइंग पर्सन इज़ अ वेरी क्रिकेटर नोइंग पर्सन एक्चुअली क्रिकेटर्स में उसकी बड़ी वो पी है क्रिकेट चैनल्स में उसकी बड़ी पी है उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था जो एक अच्छे सरबराह में होना चाहिए चेयरमैन होना ये बड़ी लंबी डिबेट अभी तक चल रही है कि चेयरमैन होना एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है क्रिकेटर की जॉब नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी इदारे का तगड़ा होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है अब वो जिस तरह उन्होंने पहली स्टेटमेंट आके दी कि हमारी जागीर है क्रिकेटर्स की हमें होना चाहिए जिसको डिफरेंट क्रिकेटर्स ने कहा कि क्रिकेटर का, का काम सिर्फ कोच की हद हाँ तक या चीज सेलेक्टर की हद तक है इसके अलावा तो किसी भी डेजिग्नेशन के लिए क्रिकेटर की ज़रूरत नहीं है और पीसी भी चेयरमैन होना तो मेरा ख्याल है पी एम और सी एम के बाद तीसरी बड़ी पावरफुल उसमें तो तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा हो जिसको सारी इदारे को रन करने का एक्सपीरियंस हो उस हिसाब से तो हाउ चेयरमैन नहीं, नहीं। तो भाई फिर रखा क्यों उसका ट्रैक रिकॉर्ड उसके क्रेडिट पर चाहे अन्य हथ बटेरा है जो भी हुआ है चंद बड़े लैंडमार्क्स हैं और वो उसके सीवी से रिमूव नहीं किए जा सकते

जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कमिट करता है वो उसकी वजह से जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है सर मैं बार बार कह रहा हूँ चाहे उसका उसमें कोई शौरी कोशिश है नहीं। या नहीं है उसका सी भी बेहतरीन है परफॉर्मेंस मैटर्स और वो मैंने उसको बात करते देखा हुआ है जब चाहे जिसके साथ हो मिलिट्री के साथ बात करनी पड़े ना वो किसको नहीं जानता क्योंकि नजम सेठी जिस आइटम का नाम है ना वो चलता अपने रिलेशंस की वजह से यस तो बड़ा उसके लंबे हाथों वाला शख्स है वो और यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस रिक्वायरमेंट है जब आप इसको कंपेयर करें विद वो दैट मानी, मानी। मजाक खेज सी एक शख्सियत उसके बाद हमारा रमीज राजा रमीज राजा को तो अल्लाह ने इतने मौके दिए प्लेट में रख के एक बेहतरीन टीम दी सारा सेटअप दिया उसको चीजों की समझ नहीं आई कि अच्छा प्लेयर वो नहीं होता जो स्कोर करता है

थोड़े क्रिकेट आप करती क्या ये कैसा सवाल है नहीं मतलब आप जॉब करती हैं या पढ़ती हैं क्या करती मैं तो पढ़ता हूँ अभी मैं भी पढ़ती हूँ आप क्या पढ़ते हैं अब ये <laughs> मुंह में कुछ पढ़ता रहता <laughs> है ना? बुजुर्गों <laughs> ने कहा जब भी घर से निकलो कुछ पढ़ के निकलो <laughs> क्रिकेट भाई पाकिस्तान की बानवे वाली वापस नहीं आनी वो की दौर हों थकी हुई टीम थी बानवे की आप क्या टीम थी नाइनटी नाइन की बात करो जो तगड़ी तरीन टीम थी बानवे में तो फ्लू लगा आज तक यहां दर्द होता है 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 में जी 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 मेरा भी है, है, मेरा भी बाकी तो एक पोर्शन ही जो ना ना उसके बाद मैं ओहो, be one of the reasons, मैं ओहो दिस ये कहता छोड़ दिया आके क्रिकेट से दूर हो गया था अपनी स्ट्रगल कौन सी स्ट्रगल ये अच्छा हुआ है आपने समझा दिया है, एक चोट मैं लगी थी वाकि वापस चला गया बिल्कुल शल में चला डिसहार्ट हो जाते हैं

और सर ये शुएब मलिक की हम जैसे पाकिस्तानी टीम की अनफॉर्चुनेटली होना तो नहीं चाहिए कि पी एस एल एक बेस बन चुकी है सिलेक्शन का वो तो आपका कैजन ट्रॉफ़ी या कोई और स्ट्रक्चर होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली इसकी बेस पर इस सिलेक्शन होती है सारी तो अगर आपका शुएब मलिक परफॉर्म कर देता है तो वर्ल्ड कप की जैसे बात करें इंडिया की टर्निंग पिचेस के ऊपर स्पिन को इससे अच्छा खेलने वाला आपके पास कोई प्लेयर नहीं है मिडिल ऑर्डर में तो आप मेरा ख्याल है बोर्ड को बात करनी चाहिए इनसे अगर ये पी एस एल में अच्छा परफॉर्म करते हैं फिटनेस उनकी पूरी है मैं तो में... पहले से कह रहा था। मैं तो ये जो पिछला कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है बट सब कॉन्टिनें की पिचेस के ऊपर श्वे मलिक से ज्यादा लीथल और आपका बेहतरीन पिलर कोई नहीं हो सकता इसमें सर कैप्टनसी की भी शायद सिलेक्शन के ऊपर बात हो रही है अगर लेट्स सोस कैप्टनसी में जैसे बाबर को अगर चेंज किया जाता है लेट्स सपोज नहीं अच्छा परफॉर्म करते पेशावर जलमी में भी तो आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं एक शहीन शाह अफरीदी और दूसरा शादाब अगर क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया चार पाँच मंथ है तो ये मेरा ख्याल है लाहौर तंदर के लिए उनके लिए और शादाब इस्लाबाद यूनाइटेड के लिए ये दोनों नए धूलें भी हैं और इनकी परफॉर्मस देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर क्या वो अपनी टीम को किस तरह लीड करते हैं और हमें आगे क्या लंबा सफर कर सकते हैं कि नहीं पाजी आज टाइम शहीन अफरीदी फॉर्म से